1857 आज़ादी की लड़ाई में 1857 से लेकर 1859 का समय भारत के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण समय रहा। वैसे तो यह प्रयास ब्रिटिश शासन के खिलाफ काफ़ी बड़े रहे लेकिन असफल थे। 1857 के विद्रोह में काफ़ी क्रांतिकारी वीरों ने अपनी जान गंवाई। उनमें से कुछ नाम रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, नाना साहेब और तात्या टोपे। उस समय ब्रिटिश सेना पूरे जोरों शोरों के साथ इन क्रांतिकारी वीरों को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। साथ ही साथ मध्य भारत का इतिहास बदलने वाली खोज की भी शुरुआत हो चुकी थी। ब्रिटिश राज के एक बड़े ऑफिसर कर्नल जेम्स फोरसिथ क्रांतिकारी तात्या टोपे को झांसी से ढूंढते हुए पचमढ़ी और बोरी के घने जंगलों तक पहुंच गए। हालांकि वह तात्या टोपे को तो नहीं पकड़ पाए मगर उन्होंने एक छुपी हुई दुनिया की खोज करी जिसे हम आज पचमढ़ी के नाम से जानते हैं। कर्नल फोरसिथ पचमढ़ी के इतिहास और यहाँ की जैव विविधता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक चिट्ठी लिखकर पचमढ़ी में एक मिलिट्री कंटोनमेंट बनाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही साथ इस जगह को संरक्षित करने के लिए पचमढ़ी में भारत के सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की शुरुआत की गई। तो चलिए दोस्तों, वाइल्ड साइड इंडिया के एक न्यू व्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पचमढ़ी घूमने की शुरुआत वहां से करेंगे जहां से पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की नींव रखी गई जो थी बायसन लॉज। हाँ भाई, ये सरप्राइज हो गया है मेरे साथ और आँख पे काट लिया मधुमक्खी ने बाइक से जब हम पचमढ़ी आ रहे थे। दो बार काटा है तो बाकी हमने ऑनलाइन सफारी बुक करी थी कोर की पनार पानी। ऐसे कहा जाता है कि मढ़ई सबसे ज़्यादा अच्छा है, बेसिकली वहाँ साइटिंग बहुत अच्छी होती है टाइगर की, लैंडस्केप बहुत ब्यूटीफुल है। पनार पानी कुछ ज़्यादा ही घना जंगल है तो मुझे घने जंगल में इंटरेस्ट था, दैट्स व्हाई आई बुक्ड फॉर पनार पानी। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, जैसे चूरना और बोरी वो भी बहुत ही अच्छा जोन है कोर का घूमने के लिए। यहाँ पे यूजुअली जब भी आप दिन में एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप पचमढ़ी आए तो अब आपको कहाँ कहाँ घूमना है इसके लिए पूरा का पूरा इनके पास एक ब्रोशर है जिसमें कि कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर एंट्री टिकट नहीं लगता है, जटाशंकर, पांडव गुफा, हांडी को, बाकी इसके अलावा जितनी भी जगह होती है वहाँ जाने के लिए जीप लगती है और टिकट फीस लगती है, या फिर आपके पास 4x4 गाड़ी हो या फिर आपके पास 2-व्हीलर हो मगर आपको पैदल तो चलना पड़ेगा। भैया ऑन एन एवरेज अगर कोई बंदा आपके पास आता है घूमने कि मेरे को पचमढ़ी में अच्छे अच्छे स्पॉट घूमना है तो उसका कितना बजट होना चाहिए? से कम 7,000-8,000 रुपए। और अगर उसका सफारी घूमने का मन हो तो अलग से रूम चार्जेस अलग से ऐड करना। और सफारी अलग है, सफारी का 7,000 अलग है और ये पॉइंट्स घूमने के लिए 8,000 में पूरे पॉइंट्स घूम जाएंगे। दो दिन लगते हैं, एक दिन नॉन एंट्री का रहता है, एक दिन एंट्री पॉइंट रहता है। सेम गाड़ी घुमाएगी? सेम गाड़ी, अलग भी हो सकता है। नॉन एंट्री के लिए आप अलग से गाड़ी कर सकते हो जो बस स्टैंड वगैरह से मिलता है। हाँ। यहाँ से फॉरेस्ट एंट्री के लिए जो नंबर सिस्टम चलता है रोस्टर वाली वही गाड़ी मिलता है। अच्छा, तो भाई घूमना तो महंगा है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। ये जो हम कल वाली सफारी में जा रहे हैं भैया, ये कोर की सफारी है जी। क्या लगता है कैसी रहेगी आपको? मेरे हिसाब से तो अच्छी रहनी चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश के बाद जो व्यू आता है, ग्रीनरी जो देखने को मिलती है, उसी के लिए तो आए हैं हम। आप वहाँ जाके बस यही देखेंगे क्योंकि इतना डेंस फॉरेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। भैया आपका नाम? मेरा नाम विशाल, फॉरेस्ट में जानकारी के लिए गाइड हूँ मैं आपके साथ। अच्छा, आपका नाम? नीरज नागवंशी है। पनार पानी जो कि कोर जोन कहलाता है पचमढ़ी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का, टोटल भैया कितने जोन है यहाँ पर? यहाँ पर टोटल 3-4 गेट है, जैसे अपन पनार पानी गेट से एंटर कर रहे हैं, एक पर्रास पानी गेट है, मढ़ई गेट है, चूरना गेट है। बेस्ट कौन सा है? सच सच सबसे बेस्ट यही है पनार पानी गेट। पनार पानी बेस्ट है जी। मुझे तो लगता था मढ़ई बहुत अच्छा होगा। नहीं, ये बढ़िया है, सबसे नंबर वन पे ये वादा रखा गया है। जानते हैं ऐसा क्यों है? मढ़ई हम सिलेक्ट कर सकते थे मगर जैसे कि आपने कान्हा टाइगर रिजर्व वाली सफारी में देखा होगा सिमिलर सा लैंडस्केप है, मैंने देख रखा है। मुझे एक्चुअली एक्सपीरियंस करना था घना जंगल, एकदम वाला घना जंगल, तो ये डेंस फॉरेस्ट के लिए हम आ गए हैं पनार पानी।
राइट साइड पे, ये सामने पेड़ दिख रहा है, ये वो मेरे वो ऊपर पेड़ पे जाइंट स्क्विरल जो कि मैस्कॉट है सतपुड़ा का, हमें यहाँ पर दिख रहा है। भाई ऐसा माना जाता है कि सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है, ये ऐसे पहाड़ हैं विंध्याचल के जो कि ना नॉर्थ में ना साउथ में, तो बीच में एक बैरियर का काम करते हैं, और इस वजह से ये ऐसा हॉटस्पॉट बन जाता है पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जहाँ पर कुछ प्रजातियाँ नॉर्थ की भी पाई जाती हैं और कुछ प्रजातियाँ साउथ की भी पाई जाती हैं। मैं आपको नॉर्थ का एग्जाम्पल दे रहा था, ये फ़र्न की स्पीशीज़ है। अब ये फ़र्न की स्पीशीज़ आपको कहीं नहीं देखने मिलेगी, अक्सर सतपुड़ा या फिर आप पहाड़ों में जाइए तो। और ऐसे बहुत सारी और प्रजातियाँ भी हैं जो यहाँ पाई जाती हैं, कहीं और नहीं पाई जाती। ये जैसे अपने यहाँ साल के वृक्ष पाए जाते हैं, बट मध्य प्रदेश का जो अधिकतर जंगल है जी जी, उसमें टीक सागौन के पेड़ पाए जाते हैं। तो इसका क्या कहानी है कि अपने यहाँ साल के पेड़ इतने सारे क्यों? ये मोर देखिए, पचमढ़ी में जो है 85% साल वृक्ष। यहाँ का क्या है कि जो जंगल है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में साल के वृक्ष ज़्यादा हैं, और साल के वृक्ष होने के कारण यहाँ का जो मौसम है एवरग्रीन होता है। साल का जो वृक्ष होता है इसमें एक जब पतझड़ आता है तो एक साइड से पत्ते झड़ते जाते हैं और दूसरी साइड से नए आते जाते हैं, एक साथ ही होता है। हाँ, एक ही साथ। ये दौड़ के गया, दौड़ के आया। तो ये अभी हम क्लाइम कर रहे हैं वॉच टावर, और ये वॉच टावर गार्ड्स के लिए होता है। मैं बस आपको ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ ऊपर कि भाई वॉच टावर से व्यू कैसा आता है जंगल का। मैं भी बड़ा क्यूरियस था, और वाह यार, यहाँ पर पूरा जंगल दिख रहा है। बाइसन दिखे हैं, बहुत सारे बाइसन हैं, तो हम लोग धीरे धीरे उनके पास जा रहे हैं। और ये राइट साइड पे ओके दिख गए, दिख गए। कायदे से तो सफारी हाफ हो गई है, और ये जो पनार पानी की सफारी होती है नीम घाट तक आती है। ये यहाँ पहले गांव हुआ करता था जिसको भी रिलोकेट कर दिया गया है। ऐसे कई सारे गांव रिलोकेट करे हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में, नेशनल पार्क में, उसके बाद फिर इसको डिक्लेयर किया गया था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो ये मार्कर है, ऐसा कुछ रुकने की व्यवस्था यहाँ पर मिलती है जिसमें आप मतलब लगभग 1.5 घंटे बाद आप टॉयलेट जा सकते हो। ये आम खा रहे हैं भैया, ये यहीं क्या आम है? हाँ, ये पेड़ में से गिरे हुए हैं। अरे, और आप भी लेकर खा सकते हैं, ये रखे हुए हैं, नेचुरल पका है, छोटा वाला एकदम खाने वाला छोटा वाला आम है ये। जामुन भी है, बड़ा वाला, बड़ा जामुन, छोटा जामुन। यहाँ पे टॉयलेट वगैरह जाया जा सकता है। ये जामुन बिल्कुल पेड़ से तोड़ के हम लोग खा रहे हैं। इसका साइज देखिए, मेरे हाथ के बराबर। इतना मीठा जामुन पहली बार खा रहा हूँ मैं। जामुन छोटे छोटे से, छोटे वाले आम वो भी बहुत मीठे थे। बाप रे, दिन भर अगर घूमूं तो दिन भर हम खाते रहे यही। Thank you.
एक खास बात पे मैं गौर फरमाना चाहूँगा कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व तीन चीज़ों से जुड़कर बना हुआ है, एक बोरी सेंचुरी, एक पचमढ़ी सेंचुरी और एक सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये तीन चीज़ें मिलके पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। ज़्यादातर लोग जो पचमढ़ी आते हैं वह पचमढ़ी टाउन घूमने आते हैं और इधर की जो लोकल स्पॉट्स हैं जैसे महादेव हो गया, छोटा महादेव, बड़ा महादेव, जटा महादेव, ये कुछ फ्री स्पॉट्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हो। इसके अलावा पेड पॉइंट्स जैसे कि डचेस वाटरफॉल, बी वाटरफॉल, चौरागढ़ की चढ़ाई या फिर धूपगढ़, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। अगर आप खुद के व्हीकल से आएँ, कार वगैरह से आएँ, तो आपको जीप जिप्सी करनी पड़ेगी, उसका लगभग 2000 रुपये खर्चा होता है और जो भी टिकट होता है 1000-1200 रुपये का टिकट भी होता है जिसको पे करके आप जा सकते हो जिप्सी से। इन छोटे छोटे पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स अराउंड कवर करवाते हैं, बट लोगों का फोकस हमेशा इन्हीं पॉइंट्स पे रह जाता है जो कि सीनिक पॉइंट्स हैं। बट असली मज़ा पचमढ़ी बायोस्फीयर रिज़र्व का तब है जब आप इसका जो बायोस्फीयर रिज़र्व है उसको एक्सप्लोर करें। तो दूसरी जो एक्टिविटी आप यहाँ पर कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप यहाँ की सफारी ले लें, जैसे हमने सफारी करी है। यहाँ के 4 कोर जोन्स हैं, 4 से 5 कोर जोन्स हैं, उन जोन्स में आप ट्राई करें। पनार पानी जोन में आज हम मेरे साथ ही सफारी कर ली है, जब आप आएँ तो आप चाहें तो मड़ई या फिर चूरना ऐसे जोन्स में ट्राई करिए। तो प्लीज़ बने रहिए, आप इस चैनल पे आए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर आप कभी सफारी पे गए हैं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है।